सब्सक्राइब कीजिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप पा सकें सभी गवर्नमेंट जॉब और एडमिट कार्ड की अपडेट सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने रेलवे ग्रुप डी और एएलपी एग्जाम 2018 से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को बता दें जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी या फिर एएलपी के एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। तो दोस्तों, आप अपनी सभी तरीके की टेंशन, सभी तरीके की घबराहट छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको सरकारी exam.com के द्वारा एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की अपडेट सबसे पहले पता चल जाएगी। तो दोस्तों, उसी के तहत, उसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में आपको कुछ खास बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए और पूरी अपडेट से रूबरू होने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, एकदम अंतिम तक देखना होगा, ताकि कोई भी पॉइंट, किसी भी तरह का पॉइंट आपसे छूटे ना। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारी जानकारी पसंद आती है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे और अपने चैनल सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल का जो घंटे वाला आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड की अपडेट मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी को बता दें, याद रखिएगा, आपका रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड और RRB ALP एडमिट कार्ड आ रहा है सबसे पहले सरकारी exam.com पे, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, जो कि बहुत ही जल्द ये एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और अपने टॉपिक की आज की अपडेट बताने के लिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले लेके आए livehindustan.com की एक खबर में। जैसा कि आप सभी अब देख सकते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो आ रही है वो यहाँ लिखी हुई है, रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 तिथि अपडेट चल रही है, 2.37 करोड़ आवेदनों की जांच, RRB ने वेबसाइट पर दी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे ये बुधवार 13 जून 2018 3:10 PM, मतलब 3:10 की ये खबर है। और इसकी पूरी डिटेल पढ़ने के लिए दोस्तों, जब हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट 2018 एग्जाम डेट अपडेट, RRB 90,000 वैकेंसी। फरवरी माह में रेलवे में निकली 90,000 भर्तियों के लिए इतनी अधिक आवेदन आए हैं कि जितनी रेलवे को उम्मीद भी नहीं थी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने फरवरी माह में ग्रुप डी के 62,000 पद और असिस्टेंट लोको पायलट व टेक्नीशियन के 26,000 पदों के लिए भर्तियां निकाली थी। इन भर्तियों के लिए 2.37 करोड़ आवेदन आए हैं। अब रेलवे इन आवेदनों की जांच में लगा रहा है। और इसी के साथ ही दोस्तों, यहाँ पे जब दूसरे पैराग्राफ में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि फर्स्ट स्टेज की कंप्यूटर लिखित परीक्षा अप्रैल या माह मई में आयोजित होगी, लेकिन ये जून चल रहा है और परीक्षा की तिथि का कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में आवेदक परीक्षा की तिथि को लेकर परेशान है, वह बेसब्री के साथ एग्जाम डेट के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोटिस आपको दिखाई गई है। और यहाँ पे अगर तीसरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, इस संबंध में रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर सफाई भी दी है। रेलवे ने कहा है कि 2.37 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए तैयारी अभी जारी है। इसका पूरा होने के बाद परीक्षा संबंधी सूचना रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पे और पॉइंट पे। और आपको एक बात बता दें कि हमारा इस खबर को आप सभी को बताने का उद्देश्य एकमात्र ये है कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस वायरल हो रही थी कि आपका अगस्त में एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दें कि जैसा कि हमने उस समय भी बताया था कि आप उसको एक टेंटेटिव नोटिस मान सकते हैं, वो एक 100% नोटिस नहीं है। और जैसा कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से भी दोस्तों आप पढ़ने के बाद इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे RRB ने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम डेट या फिर एडमिट कार्ड की रिलीज डेट की सूचना यहाँ पर जारी नहीं की है। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको एक सच्ची खबर जाननी है, एक ऑथेंटिक न्यूज़ जाननी है और ऑथेंटिक रिपोर्ट का अगर पता करना है दोस्तों, इस जानकारी ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए और ये सच्ची जानकारी, सच्ची रिपोर्ट पाने के लिए, सच्ची खबर पाने के लिए जुड़े रहना होगा सरकारी exam.com के साथ, ताकि आपको ऑथेंटिक न्यूज, ऑथेंटिक अपडेट का पता चल सके। और इसी के साथ ही दोस्तों, आप सभी से एक अपील करूंगा कि किसी भी तरीके के वायरल नोटिस पे बिलीव न करते हुए आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ केंद्रित रखें और जम करके पढ़ाई करें, एकदम बेस्ट देकर के पढ़ाई करें, ताकि आपका रेलवे एग्जाम सफल हो सके। और इसी के साथ ही दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से जुड़ी पल पल की खबर और हर अपडेट पाते रहने के लिए लगातार विजिट करते रहिए सरकारी exam.com और बने रहिए हमारे साथ सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।